हरियाणा विधानसभा चुनाव के लिए थमा प्रचार का शोर। आखिरी दिन राजनीतिक दलों के दिग्गजों ने प्रचार में झोंकी ताकत। 5 अक्टूबर को 90 सीटों पर डाले जाएंगे वोट। शुक्रवार को मतदान केंद्रों पर रवाना होंगी पोलिंग पार्टी। हरियाणा चुनाव को लेकर बीजेपी के दिग्गजों ने प्रचार प्रसार में झोंकी ताकत। एमपी के सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने झज्जर और भिवानी में किया विशाल रोड शो। बीजेपी प्रत्याशी के पक्ष में किया रोड शो। सीएम मोहन ने बीजेपी प्रत्याशी के पक्ष में जनता से वोट देने की अपील की। साथ ही उन्होंने कहा हरियाणा में भारी मतों से होगी बीजेपी की जीत। में आज रोड शो में मैं शामिल हुआ, मुझे इस बात की पूरी संभावना लग रही जिस प्रकार से माहौल चला है, भाजपा में माहौल बना है। पूरा हरियाणा में जहाँ झज्जर जिले में आया हूँ यहाँ तो ऐतिहासिक रूप से भाजपा को बढ़त मिलती दिखाई दे रही है। मेरी अपनी ओर से अग्रिम बधाई है ना। भाजपा का वातावरण यहाँ के जो हमारे कार्यकर्ता बता रहे हैं कि अभी तक ऐसा माहौल कभी देखा नहीं। दो बार से सरकार बन रही लेकिन तीसरी बार 4% बहुमत से सरकार बनती दिख रही है। सीएम मोहन यादव दिल्ली में केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री राममोहन नायडू से मिलने पहुंचे। मध्य प्रदेश के एयरपोर्ट्स की कनेक्टिविटी बढ़ाने को लेकर हुई चर्चा। सीएम ने नायडू से पिछली भेंट के बाद भोपाल को मिली पुणे और कोलकाता की नई फ्लाइट। साथ ही रीवा एयरपोर्ट की आगामी योजना पर भी हुई चर्चा। केंद्रीय मंत्री नायडू ने मध्य प्रदेश के पीएम एम्बुलेंस और पर्यटन सेवा की प्रशंसा करते हुए इसके विस्तार में मदद देने का भरोसा जताया। मध्य प्रदेश के नए मुख्य सचिव अनुराग जैन ने संभाला कार्यभार। अनुराग जैन ने नवरात्रि के पहले दिन एमपी के 35वें सीएस के रूप में नई पारिका किया शुभारंभ। चार्ज लेने के बाद जैन ने प्रशासनिक कामकाज का किया शुभारंभ। मुख्य सचिव अनुराग जैन 1989 बैच के हैं आईएएस अधिकारी। उससे पहले केंद्रीय प्रतिनियुक्ति पद पर थे तैनात। साथ ही एमपी के अलग अलग जिलों में भी रहे हैं कलेक्टर। यूथ कांग्रेस ने इस साल के लिए इंदिरा फेलोशिप की घोषणा की, जिसके बाद विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार ने कहा कि फेलोशिप के जरिए किया जाएगा महिला नेतृत्व को तैयार। इसके लिए ब्लॉक विधानसभा पंचायत जनपद स्तर पर चलेगा अभियान। यूथ कांग्रेस अध्यक्ष मितेंद्र सिंह ने कहा कि एमपी यूथ कांग्रेस की कार्यकारिणी में 33% महिलाओं को मिलेगी जगह। इंदिरा फेलोशिप के अंतर्गत चलने वाले अभियान में युवा चेहरों को बढ़ाया जाएगा। मुरैना में एडिप योजना के अंतर्गत का कार्यक्रम की आयोजित। इस दौरान दिव्यांगों को दी गई बड़ी सौगात, जिसमें विधानसभा अध्यक्ष नरेंद्र सिंह तोमर, सांसद शिव मंगल सिंह ने की शिरकत। कार्यक्रम में जिले के 374 दिव्यांगों को निःशुल्क सहायक उपकरण किए गए वितरित, जिनमें कृत्रिम उपकरण बाइक ट्राईसाइकिल थी शामिल। इन उपकरणों से दिव्यांगजनों को मिलेगी काफी राहत। दिव्यांगजनों ने इसके लिए सरकार का जताया आभार। हमारे मुरैना में 296 दिव्यांग जनों को मोटराइज ट्राईसाइकिल वितरित की गई है और कुछ लोगों को कैलिपर्स भी दिए गए हैं, अन्य उपकरण भी दिए गए हैं। दिव्यांगों के क्षेत्र में ये बड़ा सेवा का काम है जो आज के पावन दिन पर संपन्न हुआ है। मैं सभी दिव्यांग जनों को अपनी ओर से बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। सरकार की योजना का मजाक उड़ाना और सीएम के खिलाफ प्रचार करना कांग्रेस नेता को पड़ गया महंगा। युवा कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष मितेंद्र सिंह के खिलाफ इंदौर क्राइम ब्रांच ने दर्ज किया केस। मितेंद्र सिंह ने सोशल मीडिया पर किया था एक वीडियो पोस्ट। वीडियो में लाडली बहना का उड़ाया गया था मजाक। बीजेपी नेता निमेश पाठक ने क्राइम ब्रांच में दर्ज कराई शिकायत, जिसके बाद मितेंद्र सिंह के खिलाफ हुआ मामला दर्ज। इस मामले में एडिशनल डीसीपी ने कहा कि जांच के बाद होगी वैधानिक कार्रवाई। लाडली जो बहना योजना है उसका मजाक उड़ाया गया है और मुख्यमंत्री जो माननीय मुख्यमंत्री है मोहन यादव जी उनके खिलाफ भ्रामक प्रचार किया गया है, तो इस पर राजद्रोह के तहत मुकदमा कायम किया। फिलहाल इसमें जो कि VNS की धारा 353(2), 356(2) के तहत केस रजिस्टर कर लिया गया है। उनके द्वारा एक पेन ड्राइव भी दिया गया है और इसका स्क्रीनशॉट भी दिया गया है। फिलहाल इसमें FIR रजिस्टर की गई है और उसमें इन्वेस्टिगेशन की जा रही है और सभी को चेक कराया जाएगा और इन्वेस्टिगेशन में आयु तथ्यों के द्वारा बदलने कार्रवाई की जाएगी। भोपाल में प्रदर्शन करने वाले अतिथि शिक्षकों के खिलाफ दर्ज किया गया मामला। नियमितीकरण की मांग को लेकर अतिथि शिक्षक बुधवार को अंबेडकर पार्क में कर रहे थे प्रदर्शन। प्रदर्शन के दौरान अतिथि शिक्षकों ने पुलिस पर लगाए गंभीर आरोप। प्रदर्शनकारियों के मुताबिक पुलिस ने देर रात लाठीचार्ज कर अतिथि शिक्षकों को खदेड़ा। अतिथि शिक्षकों को रोकने के लिए गोली चलाने तक की दी गई चेतावनी। पोस्टर वायरल होने के बाद हटाया गया गोली चलाने का आदेश। वहीं पूरे मामले में अब ACP चंद्रशेखर पांडे का आया बयान। उन्होंने कहा कि बिना अनुमति के किया जा रहा था प्रदर्शन। आदरणीय है, हम सभी उनका सम्मान करते हैं,
लेकिन उन्हें हमारे द्वारा बार बार यही प्रयास किया गया कि आप कृपया कानून ना तोड़ें और प्रॉपर अनुमति लें। जो बातें चल रही हैं लाठी चार्ज की और बाकी अन्य की पुलिस के द्वारा बल प्रयोग किया गया, मैं आपको स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि पुलिस ने कतई बल प्रयोग नहीं किया, आप सभी वहां उपस्थित थे। भोपाल के विक्रम विश्वविद्यालय उज्जैन में नए कुलगुरु की हुई नियुक्ति, अर्पण भारद्वाज को बनाया गया विक्रम विश्वविद्यालय का कुलगुरु, 4 साल तक विश्वविद्यालय के कुलगुरु पद पर रहेंगे भारद्वाज। राज्यपाल मंगूभाई पटेल ने नियुक्ति का आदेश जारी किया, फिलहाल माधव विज्ञान विश्वविद्यालय में प्रभारी प्राचार्य पद पर हैं तैनात। शारदीय नवरात्र के पहले दिन डूंगरगढ़ दर्शन यात्रा हुई शुरू, रायपुर में मुख्यमंत्री साय ने डूंगरगढ़ दर्शन यात्रा का किया शुभारंभ। उन्होंने यात्रियों की बस को हरी झंडी दिखाकर किया रवाना। इस मौके पर सीएम ने दर्शनार्थियों को मंगलमय यात्रा और सुगम दर्शन के लिए दी शुभकामनाएं। बता दें कि राजनांदगांव जिले की धर्मनगरी डूंगरगढ़ के लगभग 1000 फीट ऊंचा पहाड़ों में माँ बम्लेश्वरी माता विराजमान है, जिनके दर्शन करने रायपुर से श्रद्धालु हुए रवाना। रायपुर में बीजेपी ने कांग्रेस सांसदों का जारी किया पोस्टर, 3 कांग्रेस